हेलो एवरीवन, मैं गुंजन डीकुआ की तरफ से आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ क्लास 12th का चैप्टर 1। ठीक है, तो हम क्लास 12th की बायोलॉजी शुरू करने जा रहे हैं और हमें पता है हमें बायो को कुछ इस तरीके से पढ़ना है कि हमें बायो को समझते हुए चलना है, क्योंकि क्लास 12th की बायो है तो हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो क्लास 12th का चैप्टर 1 आपका कौन सा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो चैप्टर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये हम चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहला टॉपिक क्या आ जाता है इस चैप्टर के अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर, कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन क्या होता है ना। तो रिप्रोडक्शन इज व्हाट? रिप्रोडक्शन इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना, नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए इस कैट ने क्या करा, वो किटन्स को बर्थ दिया है ना। तो कैट ने किसको बर्थ दिया है? किटन्स को। ऐसे ह्यूमन ने किसको बर्थ दिया है? बेबी को। ठीक है, तो नए ऑर्गेनिज्म को बर्थ देना, नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने क्या होता है? रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब देखो रिप्रोडक्शन के क्या एडवांटेज है, क्या फायदे हैं रिप्रोडक्शन होने के। रिप्रोडक्शन होने के वजह से क्या होता है, जो हमारी स्पीशीज है, जो हमारी प्रजाति है, वो क्या रहती है? कंटिन्यू रहती है, वो बनी रहती है ना। अगर एक ऑर्गेनिज्म नए ऑर्गेनिज्म को बर्थ देगा तो उससे क्या होता है, स्पीशीज का कंटिन्यूशन रहता है, स्पीशीज बनी रहती है हमारी अर्थ पर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, सपोज करो अगर क्या होता, अगर ये टाइगर है, ठीक है, टाइगर है या फिर ये लायन है, अगर टाइगर लायन क्या करेगा, बर्थ ना दे, बर्थ ना करे, नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस ना करे, तो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद ये सभी ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाएंगे और फिर क्या होगा, ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे हमारी अर्थ से खत्म होना शुरू हो जाएंगे, है ना। बट रिप्रोडक्शन की वजह से क्या होता है, ये ऑर्गेनिज्म नए ऑर्गेनिज्म को बर्थ देते हैं जिससे स्पीशीज का कंटिन्यूशन बना रहता है, स्पीशीज हमारी अर्थ पे बनी रहती है। ठीक है, और साथ में क्या होता है, रिप्रोडक्शन की वजह से क्या होता है, नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस तो होते ही होते हैं, और साथ में इन्हीं इसी रिप्रोडक्शन की वजह से क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या आते हैं, वेरिएशन आते हैं, यानी कि चेंजेस आते हैं। ठीक है, वेरिएशन आते हैं, चेंजेस आते हैं। ठीक है, और चेंजेस की वजह से क्या होता है, नई नई वैरायटी फॉर्म्ड होती है, नई नई स्पीशीज फॉर्म्ड होती है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन के वो दो फायदे, सबसे पहला तो क्या, इसकी वजह से नई नई स्पीशीज आती है और साथ में स्पीशीज के अंदर चेंजेस भी आते हैं, है ना। तो हमें जो अर्थ पे इतनी वैरायटी दिखती है, इतने टाइप के प्लांट्स है, इतने टाइप के एनिमल्स है, रीजन क्या है, रिप्रोडक्शन है ना। तो रिप्रोडक्शन की वजह से क्या है, हमारी अर्थ पे क्या है, डाइवर्सिटी है, इतनी सारी वैरायटी है हमारी अर्थ पर। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द रिप्रोडक्शन, है ना। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब देखो हम सबसे पहले किस में डिस्कस करेंगे, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के अंदर, कि प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। पर प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन देखने से पहले हम देख लेते हैं, रिप्रोडक्शन आपका दो टाइप का होता है, कौन सा, सबसे पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, असेक्सुअल और सेक्सुअल। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसके अंदर नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है बाय वन पेरेंट। ठीक है, अगर एक ही पेरेंट से अगर नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है तो उसको क्या बोलते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। नाम से समझ में आ रहा है, आ मतलब क्या होता है, वन, और सेक्सुअल मतलब क्या हो गया, पेरेंट। ठीक है, तो अगर एक ही पेरेंट से अगर नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है तो उसको क्या बोलते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जो किसमें हमें देखने को मिलता है, इट इज सीन इन द अमीबा, इट इज सीन इन द अमीबा, है ना। तो अमीबा के अंदर क्या होता है, ये एक अमीबा है और यही अमीबा दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा जिससे उसके नए प्रोजेनी, नए ऑर्गेनिजम्स बन गए, है ना। तो एक ही पेरेंट से प्रोजेनी आ रहे हैं, एक ही पेरेंट से ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और असेक्सुअल प्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, जो प्रोजेनी होते हैं, जो नया ऑर्गेनिज्म होता है, वो पेरेंट के क्या होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होता है। ठीक है, तो ये डॉटर अमीबा और अमीबा के अंदर कोई फर्क नहीं होता, ये बिल्कुल क्या होते हैं, अपने पेरेंट के एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। ठीक है, तो दीज आर द एग्जैक्ट कॉपी टू द पेरेंट, एग्जैक्ट कॉपी टू द पेरेंट। और इन एग्जैक्ट कॉपी वाले ऑर्गेनिजम्स के लिए ही क्या वर्ड हम यूज करते हैं, एग्जैक्ट कॉपी वाले ऑर्गेनिजम्स के लिए हमने क्या वर्ड यूज करना होता है, दैट इट इज अ क्लोन। क्या बोला जाता है इन्हें, क्लोन्स। ठीक है, तो अगर एक ही पेरेंट से अगर नया ऑर्गेनिज्म आता है तो उसको क्या बोलते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जिसके अंदर पेरेंट और प्रोजेनी बिल्कुल क्या होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। ठीक है, अब देखो उसके बाद वो कौन सा आ गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे प्लांट्स के अंदर भी और एनिमल्स के अंदर भी, मेनली ह्यूमंस के अंदर। ठीक है, तो सेक्सुअल प्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें दो पेरेंट्स से, दो काइंड के पेरेंट्स से एक नया ऑर्गेनिज्म आए। दो काइंड के पेरेंट्स कौन हो गए आपके, मेल और फीमेल। ठीक है, तो मेल और फीमेल से अगर नया ऑर्गेनिज्म आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो मेल और फीमेल, ठीक है, मेल और फीमेल मिलके क्या बनाएंगे, नया ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप करेंगे।
ठीक है, तो अगर मेल और फीमेल यानी कि दो काइंड के पेरेंट मिलके अगर एक ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, ऑब्वियसली बात है कि दो काइंड के पेरेंट मेल और फीमेल मिलके एक ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं तो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, दोनों के फीचर्स होते हैं, मेल के भी होते हैं और फीमेल के भी होते हैं। दैट्स वाई जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता है, वो पेरेंट के एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता है, वो सिर्फ क्या होता है, सिमिलर होता है। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता है। ठीक है, अब ये जो सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है वो किसके अंदर होता है, प्लांट्स के अंदर होता है, पौधों के अंदर होगा, एनिमल्स के अंदर होता है और ह्यूमंस के अंदर होता है। ठीक है, तो इन जो भी बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी एडवांस ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अंदर क्या होता है, सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है। ठीक है, जैसे दो काइंड के पेरेंट्स से मेल और फीमेल से क्या होगा, नया ऑर्गेनिज्म आएगा और वो जो नया ऑर्गेनिज्म होगा वो पेरेंट के एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगा, सिर्फ सिमिलर होगा। ठीक है, तो किसमें देखने को मिलता है, ये प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस के अंदर। ठीक है, तो आपका जो पहला चैप्टर है उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स। तो पहले हम प्लांट्स पे कंसिडर करेंगे, फिर जो आपका नया चैप्टर आएगा इन दैट चैप्टर वी विल कंसिडर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमंस, फिर ह्यूमंस के अंदर देखेंगे। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स के अंदर वो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कहाँ पर होता है, इट इज अकर इन द मोस्ट फैसिनेटिंग स्ट्रक्चर विच इज द फ्लावर। ठीक है, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट के अंदर वो कहाँ होता है, फ्लावर के अंदर होता है। फ्लावर में क्यों होता है, वाई इट इज अकर इन द फ्लावर, वो फ्लावर में इसलिए होता है क्योंकि फ्लावर में कौन होते हैं, फ्लावर में ही मेल पार्ट और फीमेल पार्ट होता है। ठीक है, फ्लावर के अंदर ही मेल और फीमेल पार्ट होता है, इसलिए सेक्सुअल प्रोडक्शन कहाँ होती है, फ्लावर के अंदर होती है ना, क्योंकि हमें पता है सेक्सुअल प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, हमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट चाहिए, और ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा, एक नया ऑर्गेनिज्म, नया प्लांट बनाएगा। ठीक है, तो लेट अस डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। अब फ्लावर का स्ट्रक्चर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब देखो, वो सबसे पहले जो आता है, फ्लावर के जो सभी पार्ट्स होते हैं, वो फ्लावर के सभी पार्ट्स जो होते हैं वो एक सीड पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो सीड ऑफ द फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, थैलेमस। क्या बोलते हैं, थैलेमस। ठीक है, दिस इज द सीड ऑफ द फ्लावर, इसमें सारे फ्लावर के पार्ट्स होते हैं, इट इज द सीड ऑफ द फ्लावर। ठीक है, अब इस सीट ऑफ द फ्लावर में सबसे जो बाहर वाला पार्ट होता है, जो मोस्ट फैसिनेटिंग सबसे सुंदर पार्ट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेटल्स। ठीक है, तो सबसे बाहर वाला मोस्ट फैसिनेटिंग आपका पेटल्स तो है, पर उसके साथ में ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे आउटर पार्ट जो होता है वो कौन है, ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेपल। तो क्या बोलेंगे हम, सेपल्स। ठीक है, तो जो सबसे बाहर वाला जो फ्लावर का जो पार्ट है वो कौन हो गया, सेपल्स, जो ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, फिर उसके अंदर जो मोस्ट फैसिनेटिंग पार्ट आ जाता है जिसको हम क्या बोलते हो, पेटल्स। ठीक है, तो फ्लावर के अंदर जो सबसे मोस्ट फैसिनेटिंग पार्ट आ जाएगा वो कौन है, पेटल्स। ठीक है, जो फ्लावर का सबसे मोस्ट फैसिनेटिंग पार्ट है, जो सबसे अट्रैक्टिंग पार्ट होता है, जो हमें सबसे सुंदर लगता है। ठीक है, तो जो मोस्ट फैसिनेटिंग पार्ट है फ्लावर का वो कौन है, पेटल, पेटल। ठीक है, तो सबसे बाहर वाला कौन है, वो सेपल्स, उसके अंदर कौन होते हैं, पेटल। अब इस पेटल के अंदर कौन होते हैं, प्लांट का मेल और फीमेल पार्ट होता है। ठीक है, तो देखो सबसे सेंटर में जो होता है वो प्लांट का वो फीमेल पार्ट होता है, जो सबसे सेंटर में है, सेंटर में सबसे फीमेल पार्ट होगा। ठीक है, ये जो इलोंगेटेड सा जो स्ट्रक्चर जाता है, जो सेंटर में है बिल्कुल, ये कौन होता है हमारा, ये फ्लावर का ये फीमेल पार्ट होता है ये। ठीक है, और इस फीमेल पार्ट को हम क्या बोलते हैं, पिस्टल। फीमेल पार्ट को क्या बोलते हैं, पिस्टल। ठीक है, पिस्टल भी बोल सकते हैं और कार्पेल भी बोल सकते हो, दोनों नाम इंपॉर्टेंट है फीमेल पार्ट के लिए। ठीक है, पिस्टल या फिर आप क्या बोल सकते हो, कार्पेल। ठीक है, तो जो फ्लावर की बिल्कुल सेंटर में जो पार्ट आता है, ये जो इलॉन्गेटेड पार्ट है वो कौन होता है, फीमेल पार्ट है, विच इज द पिस्टल और कार्पेल। ठीक है, उनके साइड में कौन से पार्ट आ जाते हैं, वो मेल पार्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, जो साइड में जो आ गए वो कौन है, मेल पार्ट्स आ गए। ठीक है, जो साइड में सेंटर में कौन है, फीमेल पार्ट है, उसके साइड में जो येलो कलर के मैंने स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, जो पतले पतले से जो फाइन इलॉन्गेटेड स्ट्रक्चर्स है वो कौन है, ये मेल पार्ट है, ये दिस इज अ मेल पार्ट। और मेल पार्ट को ही हम क्या बोलते हैं, स्टेमेन। क्या बोलते हैं, स्टेमेन। ठीक है, तो ये क्रॉस सेक्शन स्ट्रक्चर हो गया किसका, वो फ्लावर का, है ना। तो फ्लावर के अंदर ही मेल और फीमेल पार्ट होते हैं, दैट्स व्हाई
प्लांट्स के अंदर जो सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है वो कहाँ होता है? फ्लावर के अंदर होता है, ठीक है। अब देखो ये जो सेपल है, ग्रुप ऑफ सेपल्स को, बहुत सारे सेपल्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सेपल्स के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, वो कैलिक्स, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ सेपल्स के लिए आप क्या वर्ड यूज करोगे, कैलिक्स, कैलिक्स, ठीक है। इसके बाद वो कौन आ गया, पेटल्स आ गए, जो मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट होता है। तो पेटल्स के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ पेटल्स को हम क्या बोलते हैं, कोरोला, क्या बोलते हैं, कोरोला। ग्रुप ऑफ पेटल्स को कोरोला, ग्रुप ऑफ सेपल्स को कैलिक्स, ठीक है। ऐसे ही जो हमारे कौन आ गए, मेल पार्ट आ गए, मेल पार्ट के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, एंड्रोशियम, ठीक है। तो मेल पार्ट के ग्रुप को क्या बोला जाता है, एंड्रोशियम, एंड्रोशियम, ठीक है। और ऐसी वो फीमेल पार्ट के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, गायनोशियम। फीमेल पार्ट के ग्रुप को क्या वर्ड यूज किया जाएगा, गायनोशियम। ग्रुप ऑफ द फीमेल पार्ट, दिस इज द गायनोशियम, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। एक बार अगर हम डिस्कस करें तो फ्लावर के सभी पार्ट किसके ऊपर थे, थैलेमस के ऊपर। तो थैलेमस इज द सीट ऑफ द फ्लावर। उसके बाद जो सबसे बाहर वाला पार्ट आता है उसको क्या बोलते हैं, सेपल्स, और सेपल्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, कैलिक्स, ठीक है। उसके बाद जो मोस्ट कलरफुल पार्ट आ गया फ्लावर का, जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव पार्ट होता है, वो कौन है, पेटल्स, और पेटल के ग्रुप को क्या बोला जाएगा, कोरोला, ठीक है। इसके बाद इलॉन्गेटेड कौन आ गया, मेल पार्ट आ गया, विच इज द एंड्रोशियम, और मेल पार्ट, एक मेल पार्ट को क्या बोलते हैं, स्टेमेन, ठीक है। सेंटर में कौन आ जाता है, वो फीमेल पार्ट आ जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, पिस्टल, कार्पल, और ग्रुप ऑफ पिस्टल और कार्पल को क्या बोलते हैं, गायनोशियम, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, ठीक है। और इसी फ्लावर के अंदर क्या होता है, वो प्लांट की सेक्सुअल प्रोडक्शन होती है, ठीक है। अब देखो सेक्सुअल प्रोडक्शन प्लांट के अंदर कैसे होती है, अब सेक्सुअल प्रोडक्शन कहाँ होती है वो तो हमें क्लियर हुआ कि वो फ्लावर के अंदर होती है। अब कैसे होती है, ठीक है। तो प्लांट के अंदर जो सेक्सुअल प्रोडक्शन होती है वो थ्री स्टेप्स के अंदर होती है, इट इज अकर इन द थ्री स्टेप्स, ठीक है। तो जो प्लांट के अंदर जो सेक्सुअल प्रोडक्शन होगा वो कितने स्टेप्स में होता है, थ्री स्टेप्स के अंदर होता है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, प्री फर्टिलाइजेशन। पहला स्टेप कौन सा है, प्री फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले, ठीक है। तो प्री फर्टिलाइजेशन में कौन आ जाता है, सबसे पहले तो आ जाता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, गैमीट का बनना, ठीक है। तो सेक्सुअल प्रोडक्शन का सबसे पहला स्टेप क्या होता है, गैमीट फॉर्मेशन, गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। तो जैसे कि हमारा कौन आ गया, वो मेल पार्ट के अंदर, मेल पार्ट के अंदर जो मेल गैमीट है वो कौन होता है, मेल पार्ट के अंदर जो मेल गैमीट है वो कौन है आपके, दैट वी नो, ठीक है। तो मेल पार्ट कौन होते हैं, स्पर्म, कौन होते हैं, स्पर्म्स, ठीक है। और जो फीमेल पार्ट है, और जो फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट के अंदर जो फीमेल गैमेट होता है, फीमेल पार्ट के अंदर जो फीमेल गैमेट होता है वो कौन है आपका, दैट इट इज द ओवम, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, एग, ओवम, या फिर क्या बोला जाएगा, एग, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, वो गैमीट फॉर्मेशन होता है, गैमेटोजेनेसिस होता है, जिससे मेल गैमीट कौन है आपके, स्पर्म से, और फीमेल गैमीट कौन है, ओवम में, या फिर क्या बोला जाएगा, एग, ठीक है। और ओवम, और ओवम का जो प्लूरल होता है वो हमें पता है क्या होता है, ओवा होता है, क्या होता है, ओवा, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होता है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले, और फर्टिलाइजेशन से पहले में सबसे पहला स्टेप कौन सा आ गया आपका, गैमेटोजेनेसिस, गैमीट का बनना, ठीक है। अब इसके बाद जो सेकेंड स्टेप होता है, जो सेकेंड स्टेप होता है वो कौन होता है, गैमीट ट्रांसफर। गैमीट बनने के बाद क्या होते हैं, गैमीट ट्रांसफर होते हैं, गैमीट एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, कहाँ से कहाँ पर जाते हैं, गैमीट ट्रांसफर में क्या होता है, वो मेल पार्ट से, मेल पार्ट से कितने जाते हैं, गैमीट, फीमेल पार्ट के अंदर जाते हैं, ठीक है। मेल से कहाँ पे जाते हैं, फीमेल में जाते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि जो आपके मेल गैमीट होते हैं वो मूवेबल होते हैं, वो मूव कर सकते हैं, और जो फीमेल गैमीट होते हैं वो मूवेबल नहीं होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो सेकंड स्टेप क्या होगा, गैमीट ट्रांसफर। जो मेल गैमीट होते हैं वो किस में जाते हैं, फीमेल बॉडी के अंदर जाते हैं, फीमेल के पास जाते हैं, ठीक है। तो ये दो स्टेप्स हो गए वो प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर, ठीक है। फिर प्री फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। इसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट्स, ठीक है। मेल और फीमेल गैमिट्स का मिलना होता है, ठीक है। तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट्स को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। मेल गैमिट हमें पता है कौन है, स्पर्म, जैसे टेल इलॉन्गेटेड सा होता है स्पर्म,
ठीक है। और फिर ये जो सर्कुलर होता है वो कौन होता है, आपका एग होता है या फिर क्या होता है, ओवम। ठीक है, तो स्पर्म और ओवम के फ्यूजन को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और इनके वो फ्यूजन से क्या बनता है, जब ये दोनों के दोनों फ्यूज होते हैं तो इन दोनों के फ्यूजन से क्या बनता है, जायगॉट बनता है। क्या बनता है, जायगॉट। ठीक है, तो स्पर्म और एग के फ्यूजन से जब जायगॉट बनता है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप कौन सा हो गया, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद, जायगॉट बनने के बाद क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद का स्टेप। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, तो जायगॉट के बाद कौन बनता है, एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, क्या बनता है, एम्ब्रियो। ठीक है, फिर एम्ब्रियो के बाद क्या होगा, प्लांट के अंदर वो सीड वगैरह बनेंगे। ठीक है, फिर सीड से कौन बनेगा, सीड बनेगा, फ्रूट बनेगा। ठीक है, और फिर जैसे ही सीड बन गया, फिर सीड से क्या होगा, सीड जर्मिनेट होगा। सीड को हमने सॉइल के अंदर सो करा, सॉइल के अंदर जर्मिनेट करवाया, तो सीड जर्मिनेट होकर क्या बनाता है, न्यू प्लांट बनाता है, न्यू बेबी प्लांट बनाता है। ठीक है, तो दिस इज द स्टेप्स ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और हमें पता है यहाँ पर ये जो नया प्लांट बनेगा वो पेरेंट के सिमिलर होगा, एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होके एक नया ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं। ठीक है, तो ये वो स्टेप्स होते हैं सेक्सुअल प्रोडक्शन के, चाहे वो प्लांट के अंदर हो चाहे वो ह्यूमंस के अंदर हो, ये तीन स्टेप्स तो होते ही है। ठीक है, पहला स्टेप क्या होता है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले, जिसमें क्या होता है, गैमिट फॉर्मेशन और गैमिट ट्रांसफर। और गैमिट ट्रांसफर कहाँ से होता है, मेल से फीमेल में होता है। फिर इसके बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, यानी कि मेल और फीमेल गैमिट का फ्यूज होकर जायगॉट का बनना। फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन के बाद, है ना, और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, एम्ब्रियो बनता है, सीड बनता है, फ्रूट बनता है, और सीड जर्मिनेट होकर क्या बनाता है, न्यू प्लांट, विच इज सिमिलर टू द पेरेंट, नॉट एग्जैक्ट कॉपी टू द पेरेंट। ठीक है, ठीक है, तो अभी हम यहाँ तक डिस्कस करते हैं, उसके आगे हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट इन डिटेल। ठीक है, थैंक यू।